हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक रोमांटिक और दिलचस्प कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्यों दो लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। शुरू करते हैं ये कहानी। सुबह के करीब 7 बजे होंगे, थाना प्रभारी आशीष चौधरी नाइट ड्यूटी से अपने घर लौटे थे। वर्दी उतार कर घूंटी से टांग ही रहे थे कि उनके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। कॉल करने वाला उनके ही सिलवानी थाने का कांस्टेबल था। कॉल रिसीव करते ही आशीष चौधरी ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर जमुनिया घाट पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 युवतियां घायल हुई हैं। पूरी बात सुने बिना ही थाना प्रभारी ने निर्देश दिया, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया, सर घायल युवतियों को एक एम्बुलेंस चालक ने सिविल अस्पताल सिलवानी में भर्ती करा दिया है। ओके, ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को हॉस्पिटल भेजो, मैं भी पहुंच रहा हूं। इतना कहकर वह अपनी वर्दी को खूंटी से उतार वह फिर से तैयार होने लगे। घर में उनकी पत्नी ने शिकायती लहजे में कहा, पुलिस की नौकरी में रात दिन चैन कहाँ। यह बात 28 जून 2021 की है। यह पहला अवसर नहीं था जब थाना प्रभारी आशीष घर लौटने के बाद फिर से ड्यूटी पहुंच रहे थे। पिछले 8-10 साल की नौकरी का उनका अनुभव यही था कि पुलिस की नौकरी में 7 दिन और 24 घंटे अपना फर्ज निभाना पड़ता है। सिलवानी थाने के प्रभारी आशीष चौधरी SI राम सुजान पांडे को साथ लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। हॉस्पिटल में भर्ती दोनों युवती के कपड़े खून से सने हुए थे। दोनों युवती के गले पर बने घाव को देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इन दोनों को जान से मारने की नीयत से उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस स्टाफ ने मेडिकल लीगल एक्सपर्ट को बुलाया तो उन्होंने बताया कि दोनों युवतियां एक्सीडेंट में घायल नहीं हुई हैं। भोपाल से सिलवानी की तरफ आ रहे एम्बुलेंस चालक सलमान को दोनों युवतियां जमुनिया घाट के ऊपर सड़क पर घायल अवस्था में मिली थी। सलमान की नजर खून से लथपथ सड़क पर पड़ी इन युवती पर पड़ी तो गाड़ी रोकी। एम्बुलेंस चालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और वहां से निकल रहे एक डंपर को रोक ड्राइवर सूरज सिंह की मदद से दोनों को तत्काल सिविल अस्पताल सिलवानी लेकर आ गया। पहले तो सलमान भी यही समझ रहा था कि किसी गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी होगी, लेकिन घायल युवतियों ने उसे बताया कि उन दोनों को धक्का देकर घाटी से नीचे धकेला गया है। युवतियों का प्राथमिक उपचार सिलवानी में कराने के बाद जब उनकी हालत सामान्य हुई तो उनके बयान लिए गए। आगे के इलाज के लिए रायसेन जिला अस्पताल रेफर करने के पहले उन दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम जरीन और तैबा बताए। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह दिल दहलाने वाली थी। मंडला जिले की निवासी तहसील में रहने वाली जाकिर खान की 2 बेटियां जरीन और तैबा हैं। जाकिर खान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वह हमेशा इस बात के लिए चिंता करते रहते थे कि बेटी की शादी किस तरह होगी। जरीन और तैबा आजाद ख्याल रखने वाली थी। पिता के कंधों का बोझ कम करने के लिए 22 साल की जरीन और 20 साल की तैबा करीब 2.5-3 साल पहले नौकरी की तलाश में भोपाल आ गई। उन्होंने भोपाल के आदर्श प्रिंटिंग प्रेस में काम मिल गया तो जरीन और तैबा अशोका गार्डन में किराए के मकान में रहने लगी। करीब 2 साल पहले की बात है, दोनों बहनें प्रिंटिंग प्रेस पर अपने काम में व्यस्त थी। तभी एक युवक प्रेस पर आया, काउंटर पर बैठी जरीन से वह बोला, मुझे मेडिकल स्टोर की बिल बुक प्रिंट करानी है। अपने काम में व्यस्त जरीन ने कागज पेन देते हुए उस युवक से बिल का मैटर बनाने को कहा। थोड़ी देर बाद जरीन ने नजरें उठाकर देखी, उस युवक को देखा तो वह बस देखती ही रह गई। गोरे रंग के स्मार्ट लड़के ने उसे सम्मोहित कर दिया था। जरीन ने ऑर्डर बुक करते हुए उसका नाम व मोबाइल पूछा तो उस लड़के ने अपना नाम नीरज कौर बताया। 21 साल का नीरज भोपाल के सुभाष नगर इलाके में रहता था। नीरज ने बिल बुक प्रिंट होने की जानकारी लेने के लिए जरीन का मोबाइल नंबर भी ले लिया। बिल बुक प्रिंट होने की जानकारी लेने की गरज से नीरज और जरीन रोज मोबाइल फोन पर बातें होने लगी। इस तरह जरीन की नीरज से दोस्ती हो गई। तैबा अब बड़ी बहन जरीन को घंटों फोन पर ही बिजी देखती। कभी कभी नीरज अपने दोस्त वीर परिहार को लेकर आदर्श प्रिंटिंग प्रेस पर जरीन से मिलने जाता था। 20 साल का वीर गोविंदपुरा भोपाल का रहने वाला था। जब नीरज जरीन के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता तो तैबा और वीर भी एक दूसरे से नजरें मिलाने लगे। इसी दौर तैबा की दोस्ती भी वीर सिंह परिहार से हुई जो पाइप फैक्ट्री में काम करता था। अब दोनों बहनें दोस्तों की तरह अपने प्यार की चर्चा आपस में करती रहती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब भी उन्हें समय मिलता वह अपने बॉयफ्रेंड नीरज और वीर परिहार के साथ घूमने निकल जाती। किसी पार्क में दोनों प्रेमी जोड़े बाहों में बाहें डाल घूमते और एकांत पाते ही एक दूसरे को चूमते हुए प्यार का इजहार करते। दोनों बहनों का प्यार अब परवान चढ़ चुका था। जरीन और तैबा अपने बॉयफ्रेंड के बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता अशोका गार्डन के किराए वाले कमरे में नीरज और वीर को बुला लेती। जरीन और तैबा के अपने प्रेमियों के साथ शारीरिक संबंध भी बनने लगे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले इन प्रेमियों में तजुर्बे की कमी थी। भले ही वह प्रेम की पगे बढ़ा रहे थे मगर यही
वजह थी कि एक दूसरे के प्यार में पागल प्रेमी जोड़े इस कदर डूब जाते कि रखने वाली सावधानियों का ध्यान ही नहीं था। बिना सोचे विचारे बनाए गए असुरक्षित यौन संबंधों के चलते जरीन और तैबा पेट से हो गई। पेट से होते ही दोनों अपने प्रेमियों पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। नीरज और वीर इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं थे। पहले तो दोनों ने एक निजी क्लिनिक में उनका गर्भपात करा दिया और जब शादी का जिक्र होता तो दोनों चुप्पी साध कर रह जाते। एक रात जरीन से मिलने नीरज उसके कमरे पर आया था। जरीन से मिलते ही नीरज उसे अपनी भाव में भरने को बेताब हो रहा था, परंतु जरीन ने उसे अपने से दूर करते हुए नीरज से कहा, देखो नीरज, तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, मेरे साथ शादी कर लो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हमेशा की तरह नीरज ने जरीन का मन बहलाते हुए कहा, मेरी जान, मैं शादी करने के लिए खुद तैयार हूँ, लेकिन घर वाले आसानी से मानेंगे नहीं। मुझे डर है कि वो कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे। प्यार में डर कैसा नीरज, हम कहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं, जरीन बोली। मैं वीर से बात करके कोई तरकीब सोचता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त और दो जरीन, नीरज ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। उस दिन के बाद नीरज जब वीर से मिला तो वीर ने बताया कि तैबा भी उस पर शादी करने का दबाव डाल रही है। दोनों ने प्यार के नाम पर मजे तो खूब लूट लिए, मगर शादी करने के नाम से उनके पसीने छूट रहे थे। नीरज और वीर को यह उम्मीद कतई नहीं थी कि ये लड़कियां हाथ धोकर उनके पीछे ही पड़ जाएंगी। नीरज के पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। घर में उसकी माँ और एक भाई था। माँ को उससे काफी उम्मीद थी। वीर के पिता रात की पारी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। नीरज और वीर को पता था कि दूसरे धर्म की लड़कियों से उनके घर वाले कभी शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। रात दिन नीरज और वीर इसी चिंता में परेशान रहने लगे। उनका प्यार का भूत उतर चुका था। जरीन और तैबा के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले नीरज और वीर ने आखिरकार ऐसा निर्णय लिया जिसकी कल्पना जरीन और तैबा ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। दोनों ने अपनी प्रेमिकाओं को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की योजना बना ली। नीरज और वीर जरीन और तैबा को झांसा दिया कि हम लोग शादी करने को राजी हैं। वीर ने चालबाजी के साथ कहा, भोपाल में शादी करने में घर वाले रोड़ा बन सकते हैं। नीरज ने बात को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया, मेरे एक चाचा रायसेन जिले के सिलवानी में रहते हैं, हमने उनके बेटे अंकित को सब कुछ बता दिया है, हम वहाँ पहुँचकर शादी कर लेंगे। जरीन और तैबा नीरज और वीर से शादी के लिए रजामंद होने से खुशी के मारे चहक रही थी। योजना के मुताबिक नीरज और वीर ने दोनों युवतियों को सिलवानी चलने को कहा। रविवार 27 जून 2021 की शाम को 6 बजे नीरज व वीर तथा जरीन और तबस्सुम को लेकर भोपाल से सिलवानी के लिए दीपक ट्रैवल की एक बस से सवार होकर रवाना हो गए। रात करीब 11 बजे सिलवानी पहुंचने से पहले ही योजनाबद्ध तरीके से युवकों ने बस को जमुनिया घाट के पास रुकवाया। बस के रुकते ही चारों लोग बस से उतर गए। नीरज का चचेरा भाई अंकित पटेल बाइक लेकर वहाँ पहले से उनका इंतजार कर रहा था। अंकित पहले बाइक पर वीर और तैबा को बैठाकर घाटी की ओर ले गया। तैबा दोनों के बीच में बैठी थी। बेशुमार 2-3 किलोमीटर का फासला तय हुआ था कि वीर ने तैबा के दुपट्टे से गले में फंदा डाल दिया। पहले तो तैबा को लगा कि वीर उसके साथ कोई चहलबाजी कर रहा है, मगर जब उसका दम घुटने लगा तो वह तड़पने लगी। फिर बाइक रोक कर दोनों ने तैबा पर चाकू से हमला करके उसे वहीं छोड़ दिया। फिर अंकित अकेला बाइक लेकर नीरज और जरीन को लेने चला गया। जरीन के वहां पहुंचते ही नीरज ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से जरीन बेहोश हो गई। दोनों बहनों को गंभीर रूप से घायल कर मरणासन्न हालत में नीरज, वीर और अंकित ने घाटी के बीच नीचे जंगल में फेंक दिया। तीनों वहां से बाइक से नैनिया बरेली गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक हैंडपंप पर अपने हाथ पर लगे खून के दाग धब्बों को धो लिया। इसके बाद नीरज और वीर को सुबह की बस में भोपाल की ओर रवाना कर अंकित वहां से अपने गांव मढ़िया पगार चला गया। रात के चौथे पहर में जब जरीन और तैबा को होश आया तो उन्हें अपने आप को एक गहरी खाई में पाया। खून से लथपथ दोनों बहनें दर्द से कराह रही थीं। हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे दोनों बहनें धीरे धीरे घाटी चढ़कर सड़क पर आ गईं। तब तक सुबह का उजाला दिखने लगा था। दोनों बहनें सड़क से गुजरने वाले वाहनों को हाथ हिलाकर रोकने का इशारा कर रही थीं, मगर कोई उनकी मदद के लिए नहीं रुक रहा था। तभी भोपाल से सिलवानी की तरफ जा रहे एक एम्बुलेंस के चालक सलमान नजर सड़क पर खून से लथपथ उन दोनों बहनों पर पड़ी। उसने एम्बुलेंस को रोककर देखा तो दोनों के कपड़े खून से सने थे और वे दर्द से कराह रही थी। सलमान ने सड़क से गुजर रहे एक डंपर को रोककर उसके ड्राइवर से मदद मांगी। डंपर ड्राइवर सुरेंद्र सिंह की मदद से दोनों बहनों को वह सिलवानी अस्पताल ले आया। इस तरह जरीन और तैबा की जान बच गई। सिलवानी थाना प्रभारी आशीष चौधरी सूचना मिलते ही अपने स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंच गए तथा युवतियों का
प्राथमिक उपचार सिलवानी में कराने के बाद रायसेन जिला अस्पताल भिजवा दिया। दोनों बहनों की हालत में सुधार होने पर उनके बयान के आधार पर पुलिस ने नीरज गौर निवासी सुभाष नगर भोपाल, वीर सिंह परिहार निवासी गोविंदपुरा भोपाल और अंकित पटेल निवासी मड़िया पगार सिलवानी के खिलाफ भादम्बी की धारा 307-201-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अपने जिन प्रेमियों नीरज और वीर परिहार के लिए दोनों बहनों ने घर परिवार तक छोड़ दिया, उन्होंने ही दोनों बहनों को मौत की कगार पर ला खड़ा किया। रात के अंधेरे में दोनों बहनों पर धारदार हथियारों से हमला किया और मृत समझकर घाटी से नीचे फेंक कर फरार हो गए। जरीन और तैबा को मरा समझकर गहरी घाटी में धकेल कर नीरज और वीर निश्चिंत हो गए थे। अपने प्लान को सफल मानकर वे बस में सवार होकर भोपाल अपने घर जा रहे थे। दोनों को अब इस बात का सुकून मिल गया था कि अब उन्हें जबरदस्ती उन लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह करीब 9 बजे दोनों बस से उतरकर अपने अपने घर चले गए। रायसेन जिले की एसपी मोनिका शुक्ला ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सिलवानी पुलिस टीम को जल्दी दोनों आरोपी प्रेमियों को गिरफ्तार करने की निर्देश दिए। सिलवानी पुलिस ने सबसे पहले मड़िया पगार गांव के अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि अपने चचेरे भाई नीरज के कहने पर वह बाइक लेकर जमुनिया घाट पहुंचा था। नीरज और वीर की तलाश में सिलवानी पुलिस थाने की टीम भोपाल रवाना हो गई। भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस की मदद से नीरज और वीर के बताए गए पते पर पहुंची तो दोनों घर पर ही मिल गए। पुलिस को घर आया देखकर उनके हाथ पर कांपने लगे। दोनों को हिरासत में ले लिया। अशोका गार्डन पुलिस थाने लाकर उनसे पूछताछ की तो नीरज और वीर ने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। नीरज और वीर की निशानदेही पर वारदात के समय प्रयुक्त चाकू और मुंह बांधने का एक कपड़ा पुलिस ने घटनास्थल से बरामद कर लिया। युवतियों के बयान के आधार पर पुलिस ने भोपाल अशोका गार्डन पुलिस की मदद से आरोपी तीनों युवकों नीरज गौर, वीर सिंह परिहार और अंकित पटेल को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें बेगमगंज जेल भेज दिया गया। नौकरी की तलाश में भोपाल आई दो सगी बहनें जवानी की इस उम्र में प्यार तो कर बैठी, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि दुनिया में प्यार के नाम पर धोखा देने वालों की कमी नहीं है। जरीन और तैबा ने अपने प्रेमियों को भरपूर प्यार दिया, मगर दोनों प्रेमियों ने उन्हें प्यार की जो सजा दी उसे वे उम्र नहीं भूल सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।